सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। लोगों के लिए राहत, कर्फ्यू में ढील 2 घंटे बढ़ी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करेगी, ताकि COVID-19 मामले के फैलने की किसी भी संभावना को रोका जा सके तथा लोगों का सुव्यवस्थित प्रवेश सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में रात 9 बजे से सुबह के 5 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। प्रदेश में अब तक शाम 7 बजे से सुबह के 7 बजे तक कर्फ्यू की अवधि थी। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार नीरज भारती को कोर्ट से मिली जमानत। राजद्रोह मामले में गिरफ्तार होने के बाद पुलिस रिमांड पर चल रहे पूर्व विधायक एवं CPS नीरज भारती को जमानत मिल गई है। मंगलवार को कोर्ट में सुनवाई हुई। CID ने भारती को 4 दिन की रिमांड के बाद कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों मामलों पर सुनवाई कर भारती को जमानत दे दी। स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई नहीं होगी शुरू, 6ठे सेमेस्टर के विद्यार्थी भी नहीं किए जाएंगे प्रमोट। हिमाचल के डिग्री कॉलेज के 6ठे सेमेस्टर में पढ़ने वाले करीब 40,000 विद्यार्थियों को बिना परीक्षा परिणाम घोषित किए प्रमोट नहीं किया जाएगा। हिमाचल सरकार ने अन्य राज्यों के फॉर्मूले को नहीं अपनाने का फैसला लिया है। 12वीं कक्षा की सफलतापूर्वक परीक्षाएं आयोजित कर परिणाम घोषित करने के बाद अब सरकार ने 6ठे सेमेस्टर की परीक्षाएं भी लेने का फैसला लिया है। संभावित है कि 15 जुलाई तक परीक्षाओं की डेटशीट जारी कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने बताया कि देश में हिमाचल एकमात्र ऐसा राज्य है जो बिना परीक्षाएं लिए विद्यार्थियों को प्रमोट नहीं करेगा। मुख्यमंत्री ने किया उद्यमियों के लिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन सुविधा का शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में 1 जुलाई 2020 से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की नई परिभाषा लागू होगी। अब 50 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित इकाइयां और मशीनरी सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यमों की श्रेणी में आएंगे। उन्होंने कहा कि राज्य में लगभग 99.5% उद्योग इस श्रेणी में आते हैं, इसलिए ऑनलाइन स्वयं प्रमाणन की सुविधा मिलने से उद्योगपतियों को सहायता मिलेगी। ऐतिहासिक मिंजर मेले पर भी संकट के बादल, इस बार उम्मीद कम। ऐतिहासिक मिंजर मेले पर इस बार कोरोना की मार पड़ सकती है। वर्तमान हालातों को देखते हुए मेला होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। जिला प्रशासन ने भी मेले को लेकर हामी नहीं भरी है। स्थिति के हालातों के मद्देनज़र मेले का आयोजन होना काफ़ी मुश्किल लग रहा है। इससे पहले प्रदेश के अन्य मेले भी कोरोना की भेंट चढ़ चुके हैं। 82 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में CBI की 5 जगह दबिश, रिकॉर्ड कब्जे में लिया। ऊना जिले के अम्मे पेपर मिल खोलने के नाम पर SBI शाखा महतपुर से लिए लोन में करीब 82 करोड़ के धोखाधड़ी मामले में CBI ने पंचकुला और ऊना समेत कंपनी निदेशकों के 5 ठिकानों पर दबिश दी है। हिमाचल में कोरोना से 8वीं मौत, हमीरपुर की 80 वर्षीय महिला ने मंडी में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 8वीं मौत हो गई है। हमीरपुर जिले की सुजानपुर तहसील के जंगलबेरी की रहने वाली इस महिला ने नैरचौक मेडिकल कॉलेज में मंडी में दम तोड़ा है। 80 वर्षीय इस महिला की ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली की बताई जा रही है। महिला पहले ही BP, शुगर व अन्य बीमारियों से ग्रसित थी। कांगड़ा घाटी रेल लाइन चुनावी वायदे में फेल, 70 सालों में 120 किलोमीटर के रेल ट्रैक को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने का कोई प्रयास नहीं। सामरिक दृष्टि एवं क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली कांगड़ा घाटी रेल लाइन चुनावी वायदे में फेल होकर रह गई है। रेलवे की उदासीनता के चलते पिछले 70 सालों में 164.6 किलोमीटर के रेल ट्रैक को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने का कोई प्रयास नहीं किया। इन सभी सालों में ट्रैक में एक भी ईंट नहीं जोड़ी गई है। नैरोगेज लाइन को ब्रॉडगेज लाइन में बदलने के लिए कई योजनाएं बनाई गई, लेकिन सभी फाइलों तक ही सीमित रहीं। मंडी से कुल्लू बिना किसी पास के टैक्सी पर जाते युवक को पुलिस ने पकड़ा। कुल्लू जिले का एक युवक मध्य प्रदेश के जबलपुर से पहले एक गाड़ी में बैठकर मंडी पहुंचा और उसके बाद वहां से किराए की टैक्सी लेकर कुल्लू जिले की सीमा में बिना किसी पास के प्रवेश किया, जिस कारण पुलिस ने मंडी से टैक्सी में बिठाकर कुल्लू लाने वाले टैक्सी चालक और युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। प्रदेश में अनलॉक 2 में ज्यादा रियायतें नहीं मिलेंगी, स्कूल नहीं खोले जाएंगे। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए 31 जुलाई तक कर्फ्यू को जारी रखने का फैसला लिया गया है। CM ने प्रदेश के सारे जिलों के DC और SP को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने देश के अन्य हिस्सों से प्रदेश में आने वाले लोगों के प्रवेश को विनियमित करने का मामला सरकार से उठाया है। संस्थागत क्वारंटाइन और होम क्वारंटाइन को मजबूत किया जाएगा। धलवाड़ी में बनेगा जिले का पहला हेलीपैड, PWD ने लगाए टेंडर।
30 लाख रुपए होंगे खर्च। ऊना जिले के धलवाड़ी में हेलीपैड बनाया जाएगा। इसके लिए पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है। संबंधित कंपनी को वर्क अवार्ड होने के बाद ही हेलीपैड की जमीन को समतल करने का काम शुरू होगा। धलवाड़ी में बनने वाला यह जिला का पहला हेलीपैड होगा। हिमाचल में इस दिन से मानसून पकड़ेगा रफ्तार, सताएगा मौसम। हिमाचल में 4 जुलाई से मानसून दोबारा रफ्तार पकड़ेगा। 6 जुलाई तक प्रदेश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। 4 जुलाई को 6 मध्य पर्वतीय जिलों शिमला, सोलन, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा के लिए येलो अलर्ट जारी भी किया है। बुधवार और वीरवार को भी प्रदेश में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान है। एचपीयू में शुरू होंगे डिफेंस स्टडीज समेत 4 नए विभाग, परीक्षाएं करवाने को तैयार। एचपीयू की कार्यकारी परिषद की बैठक में वीवी में 4 नए विभाग खोलने को मंजूरी दी गई। रक्षा अध्ययन विभाग, पर्यावरण विज्ञान विभाग, पुस्तकालय विज्ञान विभाग और माइक्रोबायोलॉजी विभाग इसी सत्र से शुरू होंगे। मंगलवार को बैठक की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार ने की। यूनियन ने मारी पलटी, प्रदेश में नहीं दौड़ेंगी निजी बसें। हिमाचल में निजी बसें चलाने को लेकर बस ऑपरेटर ने फिर पलटी मारी है। अब यूनियन अपने पुराने निर्णय पर ही आ गई है। निजी बस ऑपरेटर यूनियन ने ऐलान किया है कि 1 जुलाई बुधवार से प्रदेश में बसें नहीं चलाई जाएंगी। हालांकि निजी ऑपरेटर यूनियन ने यह पहले निर्णय लिया था कि जो ऑपरेटर बसें चलाना चाहते हैं वे खुद निर्णय लेकर बसें चला सकते हैं। 12 जुलाई तक स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां, 13 जुलाई से होंगी ऑनलाइन पढ़ाई। सरकार ने 12 जुलाई तक स्कूलों कॉलेजों में छुट्टियां कर दी हैं। स्कूलों में अब 13 जुलाई से ऑनलाइन पढ़ाई होगी। शिक्षा विभाग ने स्कूल कॉलेजों को दी जाने वाली एक शैक्षणिक सत्र की छुट्टियों का कोटा समाप्त कर दिया है। 13 से 31 जुलाई तक स्कूलों को कोरोना के मामले बढ़ने के चलते बंद रखा जाएगा। सरकारी आंकड़ों के अनुसार हिमाचल में कोरोना के अब तक कुल 953 केस सामने आए हैं, जिनमें 356 मरीज एक्टिव और 575 रिकवर हो चुके हैं। प्रदेश में कल नए 11 केस आए हैं, जिनमें कांगड़ा से 4, हमीरपुर से 2, सोलन से 1 और ऊना से 4 हैं। प्रदेश में कल 19 मरीज ठीक हुए हैं, जिनमें कांगड़ा से 5, सोलन से 4, ऊना से 3, चंबा से 3 और शिमला से 4 हैं। भारत में कोरोना के कुल 5,75,863 मामले सामने आए हैं, जिनमें 3,40,963 मरीज ठीक हुए हैं और 17,066 की मौत हुई है। दुनिया भर में कोरोना के 1,04,71,895 मामले सामने आए हैं। तो ये थी आज की कुछ मुख्य खबरें। आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको ऐसी ही खबरें रोज़ मिलें। जय हिंद।